पैरोल में छूटे गांजा तस्कर के आरोपी जो पुलिस कस्टडी से था फरार, जिसको डेढ़ वर्ष बाद 83 किलो गांजा के साथ पत्नी सहित बिलाईगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसे पुलिस प्रशासन की कामयाबी कहे या नाकामी समझ से परे है। मामला पुलिस थाना बिलाईगढ़ का है, जहां बिलाईगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चार पहिया वाहन इक्को CG04LU9841 को पुलिस व क्राइम ब्रांच के टीम ने पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी कर इक्को वाहन की जांच की। जांच के दौरान इक्को में कुल 84 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 3,40,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी गांजा तस्कर दंपति धनसाय पटेल 47 साल व उनकी पत्नी संतरा बाई पटेल ग्राम टुंड्रा निवासी है। वही आरोपी धनसाय पटेल एक स्थायी वार्ती अपराधी है, जिसके खिलाफ सीपत थाना जिला बिलासपुर के NDPS के मामले पर न्यायालय ने सजा सुनाए थे और पैरोल पर घर आया हुआ था। वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था, जिस पर थाना गिधौरी से अपराध क्रमांक 54/16 धारा 224 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसका स्थायी वारंट जारी किया गया था, जिसका लगातार पता साजी किया जा रहा था। वही डेढ़ वर्ष से फरार आरोपी को गिरफ्तार करना बिलाईगढ़ पुलिस कामयाबी बयां करता है, लेकिन डेढ़ वर्षों से पैरोल से छूटे आरोपी का जो पुलिस कस्टडी से फरार हो जाना विभाग की नाकामी को दर्शाता है। वही थाना प्रभारी बिलाईगढ़ ने बताया कि आरोपी धनसाय का पुत्र भी इसी तरह की कारोबार से लिप्त था और इसी गाड़ी से 2017 में गांजा तस्करी करते पकड़ा गया था, जो आज भी जेल में है। अब बड़ा सवाल यह है कि कुछ वर्ष पहले आरोपी के पुत्र को गांजा के साथ जिस गाड़ी को जब्त किया था वो कब छूटा और उसी गाड़ी में फिर से गांजा तस्कर के साथ पकड़ा जाना, जबकि आरोपी अब भी जेल में है, कई सवालों को जन्म देता है, क्योंकि गांजा तस्करों में प्रयुक्त वाहन अधिकांश मामलों में राजसात किया जाता है। वही हम बता दें कि बिलाईगढ़ अंचल में मादक द्रव्य की तस्करी वर्षों से हो रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन कार्यवाही तो करती है लेकिन पूर्णतः अंकुश लगाने में कहीं न कहीं अक्षम है, जिसके चलते पूरे अंचल में मादक पदार्थों की कारोबार बड़े धड़ल्ले से चल रही है। पति पत्नी है दोनों, एक है धनसाय पटेल और उसकी पत्नी संतरा बाई, उन्होंने उड़ीसा से भारी मात्रा में गांजा एक वाहन क्रमांक CG04LU9841 कार में डाल कर ला रहे हैं। ये सूचना मिला था तो हम लोगों ने मुनासिब जगह पर पेट्रोल पंप के आसपास हम लोगों ने उसमें नाकेबंदी किया था और काफ़ी वेट किए। लगभग 4 घंटे बाद उन्होंने वो गाड़ी जो है हमारे शहर में प्रवेश किया, तो मुझ भी लगातार हमें खबर दे रहा था। उसके आधार पर हम लोगों ने उनको रोक कर जो भी वैधानिक कार्रवाई किया गया और मौके पर तलाशी जांच पड़ताल तौर के पश्चात हमें गांजा मिला है उनके पास से। 83 किलो गांजा हमें प्राप्त हुआ, जिस पर 20 NDPS के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। लगभग उसका कोई अभी एग्जैक्ट वैल्यूशन नहीं है, जो अपना लोकल वैल्यूशन के आधार पर हम लोगों ने लगाया है 3,20,000। मात्रा कितना था सर? 83 किलो। सर जो गाड़ी प्रयुक्त किया, जानकारी मिला है कि पूर्व में भी उसी गाड़ी से उसी परिवार के लोग गांजा तस्कर के रूप में इसी थाने में अपराध पंजीबद्ध है, क्या कहना चाहते हैं? यह बात सही है कि इसके पूर्व भी इस गाड़ी से गांजा तस्करी इसी आरोपी के लड़कों ने किया है, जो वर्तमान में जेल में बंद है। सर जेल में बंद है, गाड़ी छूट जाना, जानकारी है कि इसमें राजसात की भी प्रक्रिया होती है, गाड़ी कैसे छूटा होगा और किसके नाम पे सर? अब ये किसके नाम पर है ये तो जांच का विषय है, और गाड़ी कैसे छूटी है भी मैं पता करूंगा। पहले ही गांजा के अपराध में बंद था, जिस पे उसको न्यायालय सजा हुई थी, सिपत का मामला था और उसी बीच ये अपने घर आया हुआ था, पैरोल पर आया हुआ था, तो ये फरार हो गया था, जिसको हम लोगों ने फिर उनकी स्थायी वारंट था, जिसके आधार पर पूरा पुलिस विभाग हर थाने पर ढूंढते रहते हैं, जिसको जहाँ पता चलता है वो पकड़ लेता है। तो उसके आधार पर हम लोगों ने गिधौरी थाने में इसके खिलाफ वो फरार मुलजिम का जो FIR होता है 224 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज था, उसमें ये स्थायी वारंट था, तो उसको भी हमने पकड़ा है और उनको सूचित कर दिया गिधौरी। सर गाड़ी एक ही गाड़ी का दो बार प्रयुक्त होना, क्या उसके उसका मालिक का इसमें असमलेता पर महसूस हो रही है सर, क्या कहेंगे? अभी पता करते हैं क्या है स्थिति, जो जांच में आएगा फिर आएगा।
गाड़ी तो एक ही है सर जो अपराध पूर्वज हुआ था। हाँ यह कहना सही है, मुझे गाड़ी तो एक ही है, दोनों अपराध में एक ही गाड़ी।